सीधे सीधे सौ के एक बात हमर बल है, हमर ताकत है, हम फरिया लेंगे। उनका पास सत्ता है, ये ले लाते हैं, बहन चो जनता को रौंद के चला जाना, यही उनका उद्देश्य है। और कोई उद्देश्य नहीं है, विकास ही कर रहे हैं, विकास के नाम पर जनता को मारा जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। अभी बीटा थाना के सीईओ प्रभारी एसडीएम टोटल कहता है ना कि माल हमको दीजिएगा तो हम मुख्यमंत्री तक ले पहुँचाएंगे, कैसे कि हम लोगों को देना पड़ता है चंदा। ऐसे ना बोले, इसका प्रूफ दिखाएंगे तब ना लोग मानेगा। देखिए सुनिए, ऑफिस में जाइएगा ना तो एगो अगर साहब है ना, वो 73 को चमचा रहता है, चमचमा का साहेब थोड़ी पैसा लेता है, ओका भी चाहिए साहेब ही, ओका 50 वो चमचा है, कहेगा कि लाओ 30,000 में फलना काम करा दे, साहेब डायरेक्ट पैसा थोड़ी लेता है। बिहार के सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, जिसको लेकर बिहार के राजधानी पटना से कुछ दूर बिहटा में अभी हैं, और बिहटा में देखिए जो यहाँ पर एलिवेटेड रोड में जो आने वाला मकान है उसको तोड़ा जा रहा है, और देखिए यहाँ पर जेसीबी है और इस जेसीबी के माध्यम से जो है ये पूरा मकान ढहा जा रहा है। इधर भी जो आज ये मकान है इसको भी ढहा जा रहा है, और अभी जो है ये रोड है, इस रोड को भी तोड़ा जाए। हमारे साथ जो है अभी ये अमीन है, और जिस कंपनी को ये काम मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, उस कंपनी के अमीन अभी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। संजीत जी बताइए, कितना चौड़ा ये जो तोड़ा जा रहा है? ये जो है 28 मीटर, 28 मीटर चौड़ा रोड को तोड़ना है 28 मीटर, और घर को तोड़ना है कि ये रोड मिला करके? नहीं, पूरा तोड़ना है, पूरा तोड़ना, रोड और घर मिला कर, घर मिला के। अच्छा, ये बताइए कि जितने भी घर टूट रहे हैं, इन लोगों को ये कहना है कि हम लोग को कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और उसका घर को भी तोड़ा जा रहा है, क्या ये सही बात है? उसमें अपना अपना जो है भूअर्जन कार्यालय में कागज सबमिट करे, और वहाँ से अपना भूअर्जन कार्यालय के माध्यम से अपना भुगतान लें। लेकिन हम लोग कंपनी का, अच्छा, आपके अनुसार कहना ये है कि जितने लोगों को तोड़ा जा रहा है उनका मुआवजा मिल गया है? ये तो भूअर्जन कार्यालय का है। अच्छा, हाँ, हम लोग तो कंपनी वाले हैं, मुआवजा के बारे में जिला भूअर्जन कार्यालय, वहाँ से अपना पेपर जमा करेंगे, जिनको अपना रहती जमीन होगा वहाँ से भुगतान दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, जिनका रहती होगा उनका भुगतान दिया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताने का प्रयास करेंगे क्या कि क्या रेट से उनको पैसा मिलेगा? देखिए, ये भूअर्जन कार्यालय का है, ये भूअर्जन कार्यालय का, कंपनी का ये नहीं। हाँ, देखिए, और यहाँ पर कुछ किसान जिनके जिनका घर है उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका घर है, ये टूट रहा है, आपका घर टूट रहा है? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम कुमार। अच्छा, ये घर आपका पूरा टूट रहा है? हाँ, इसी घर में आप रहते हैं? हम इसी घर में रहते हैं। सामान हटाए कि नहीं हटाए? हाँ, सामान हटाए हैं। तोड़ने से पहले बताया गया है कि हमारा घर, आपका घर टूटेगा? हाँ, बताया गया है। अच्छा, आपका मुआवजा मिला है? नहीं मिला है मुआवजा। अच्छा, मुआवजा नहीं मिला? हाँ। अरे भैया रुक जाइए। देखिए, हटिए, अभी इधर आ रहा है। तो आपको अभी मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला है मुआवजा। कितना आपका जमीन है, कितना में घर था? घर का 30 फीट में है, 30 मीटर में है। तो जगह दीजिए। हाँ, 30 मीटर में आपका जमीन है? हाँ, 30 मीटर में है। अच्छा, कितना आपके जमीन के हिसाब से आपका पैसा होता है? अब तो गवर्नमेंट बताएगा ना, गवर्नमेंट बताएंगे। लेकिन अभी 1 रुपया भी नहीं, अभी 1 रुपया नहीं मिला है। घर को तोड़ा जा रहा है, घर को बढ़िया। क्या बताया गया, क्या कि मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब तो वो समझेंगे, अतिक्रमण वाले से लोग समझेंगे। हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तब फिलहाल अभी कहाँ जाएंगे, घर टूट जाएगा तो? अब देखिए कहाँ जाएंगे। देखिए जो है कि ये इनका घर तोड़ा जा रहा है, इनका ये घर, ये भी घर टूटेगा? मेरा भी, आपका घर है? मेरा भी टूट रहा है सर। ये आपका घर है? नहीं, मेरा 2470 प्लॉट नंबर में है। उधर घर है जी? गजट घर किनका है? गजट में भी नहीं है मेरा। ये घर किसका है? मेरा गजट में भी नहीं है सर, मेरा आधा कट्ठा में मकान है, मकान के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, 4-5 मेरा फैमिली है, मैं कहाँ जाऊँगा सर? रोइए नहीं, पहले बताइए क्या क्या हुआ है। हमको नोटिस नहीं मिला है सर, लेकिन मेरा मकान आगे जाइएगा तो मेन रोड पर है, और हमको मकान के सिवा कुछ नहीं है, एक धूर भी जमीन नहीं है सर। हम 10-12 हज़ार रुपये का जॉब करते हैं, मेरे 3-4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं और फैमिली है, हम उसको लेकर के कहाँ जाएंगे सर? मुआवजा मिला है? नहीं सर, मुआवजा भी नहीं मिला है, हमको नोटिस भी नहीं मिला है, हमको किसी चीज़ का जानकारी नहीं है सर। हम कहाँ टूट गया कि तोड़ा जाएगा? होने वाला है सर, घर टूट जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, कुछ नहीं है सर। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार गिरी सर। अच्छा, मनीष गिरी जी, ये बताइए कि आपको 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला? 1 रुपया नहीं मिला है सर। अच्छा, ये घर किसका है? आपका है? ये घर आज आपको टूटने वाला है? 1 रुपया नहीं मिला है अभी तक, नहीं मिला। सामान वामान हटाए कि नहीं हटाए? सामान हटा लिया। अंदर चले के देखे, आइए। हाँ आइए, थोड़ा देखिए,
अच्छा चाहिए। देखिए जो है इनका भी घर अभी जो है तोड़ दिया जाएगा और ये जो है अपना सामान वगैरह सब हटा रहे। इस तरीके से ये ड्रिल आप लोग किए हैं कि ऊपर वही लोग किए? मैं करवाई हूँ इसको कि इस पे निशान ना पड़े, इसीलिए करवाई। ये थोड़ा बच रहा है ना? हाँ, ये बच रहा है इसीलिए हम करवाए। बचेगा? हाँ, इसीलिए टूटेगा। हाँ, इसका मुआवजा मिलेगा? मिलने वाला है, कहाँ मिला है? 2,16,000 का कागज देकर बैठा हुआ है, कहाँ मिल रहा है? 2,16,000 का कागज मिलेगा? बाकी नहीं दिया गया है। देखिए तो ये जो है इस तरीके से जो है ये है, ये आधा आगे से टूटेगा, है ना? क्या नाम हुआ चाचा आपका? वीरेंद्र राय। तो इनका भी घर टूट रहा है। इसी तरीके से जो ये एलिवेटेड रोड बनने वाली है, इस रोड के समय में जो भी रास्ता, जो भी घर आएंगे, जिनका भी जमीन आएगा, सबका जो है टूटा जाएगा। बाकी देखिए सर हैं, मजिस्ट्रेट सर हैं, कितना जमीन जो है अभी पूरा जा रहा है इस तरीके से? कितना जमीन जा रहा था हम लोग को थोड़ी पता है। पूरा जहाँ दानापुर से यहाँ तक अब हम लोग को पता नहीं। हम लोग को मजिस्ट्रेट विधि व्यवस्था देखने के लिए, विधि व्यवस्था देखना यहाँ पर कि जो उग्र लोग हो रहे हैं उनको समझाना, ये सब करना। अच्छा तो यहाँ पर क्या कुछ आप देखें, यहाँ पर शांति से सब कुछ हो रहा है? शांति से हो रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिला है, फिर भी तोड़ा जा रहा है। तो मुआवजा ये अपना कागज अपना लोग जमा करेंगे वहाँ जिला ऑफिस गर्जन। कागज आप नहीं जमा किए हैं? नहीं सर, गजट में नहीं है 2470 सर। डीएम साहब एक हफ्ता पहले मीटिंग में बोले थे सर कि जो भी है बकास जमीन हो या मालिकगढ़ मजरुआ पर उसका संरचना का तो भुगतान होना ना। माना कि सर गवर्नमेंट के नज़र में मालिकगढ़ मजरुआ का कोई औचित्य नहीं है सर। मेरा 1995 में रजिस्ट्री हुआ है सर, कोर्ट रजिस्ट्री किया है। पास जो कागज है? जी सर, मेरे पास है सर। हाँ, मेरे पास कागज है सर। वहाँ कागज दीजिए, जमा कीजिए। वहाँ जमा किए? कहाँ दे सर? सर मेरा बात सुनिए सर। देखिए इसमें शांति से बात करना है, मजिस्ट्रेट साहब हैं, इन ये बताएंगे कहाँ जमा करना है, वहाँ जमा कर दीजिए। आगे पीछे कोई नहीं है सर, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, एक परिवार है, घर के सिवा आधा कट्ठा में घर है सर, घर के सिवा कुछ नहीं है। हम 10-12 हज़ार जॉब करते हैं सर, उससे मेरा बच्चा को पढ़ाते हैं या जो भी पढ़ा भी नहीं पाते हैं सर, बस सिर्फ दाल रोटी चलाते हैं सर। और हम कहाँ जाएंगे सर, अभी की सिचुएशन में हम कहाँ जाएंगे? हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरा मकान मत तोड़िए, तोड़ दीजिए सर, लेकिन हमको कम से कम नोटिस दिया गया था कि नहीं? नहीं सर। है आपका इसमें है मतलब आप जैसे सरकारी जमीन घर मजरुआ जमीन में आप मकान बनाए हुए हैं? 2470 मालिक घर मजरुआ है सर, उसका 1995 में रजिस्ट्री हुआ है सर। अब ये रजिस्ट्री तो कोर्ट किया है, जो देश का सर्वोपरि न्यायालय होता है, वहाँ योर हाइनेस बैठते हैं सर, वहीं ने रजिस्ट्री किए हैं सर। हम क्या जानते हैं, हम तो उस समय छोटा बच्चा है, मेरा क्या दोष है सर। क्या बोल रहे सर? वहाँ कागज अपना जमा कीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, नहीं सुनता है सर। देखिए हमारा जमीन रहती है, ठीक है, नामांतरण के लिए दिया हुआ था, लेकिन बीटा थाना बीटा प्रखंड के सीओ ना नामांतरण करता है ना के कुछ करता है। जब सीओ से भेंट करे जाइए तो सीओ कहेगा कर्मचारी भेजाओ, जब कर्मचारी कहेगा कि सीओ नहीं बैठ रहा है, अब भूअर्जन कहता है कि हमको पेपर कम्प्लीट दो तब हम आपका पेमेंट देंगे, तो नहीं दे रहा है पेपर कंप्लीट, तो भूअर्जन पेपर पेमेंट कहाँ से करेगा? यहाँ सबसे बड़का दोषी सीओ है, ठीक ना? अगर नहीं है तो उसको बुलाया जाए सामने। अगर नामांतरण के लिए 1268 केस नंबर है, उसको हम दिए हुए हैं आज 1.5 महीना से, नामांतरण के लिए पेपर तो इशू हो रहा है। मकान आया टूट गया, मकान तोड़ लीजिए, पूरा मकान ले लीजिए, कैसे कि देश के विकास के लिए रोड बन रहा है, उससे हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारा हक है उसको दीजिए। लेकिन यहाँ का सीओ बोलता है कि नीचे से ऊपर तक पेमेंट जाता है। घर आपका है? हमारा यहाँ से 3 घर आगे है। क्या नाम हुआ आपका? परदुम कुमार। परदुम ये बताइए कि आपका घर जो है आपका अपना जमीन में है, रहती जमीन में है कि जमीन में है? 1998 प्लॉट नंबर खाता नंबर 147। आप जो अभी बताए वो मजिस्ट्रेट से आप बताएं कि जमा पेपर जो है जमा कीजिए वहाँ, आपने जमा किया?
पेपर हम भूअर्जन में जमा किए। भूअर्जन बोलता है कि आपका दादाजी के नाम पर है, आप अपने पिताजी के नाम पर कीजिए, ठीक है। जब जब पिताजी के नाम पर प्रक्रिया में जब हम आए तो सीओ के पास गया, जब हम लोग अपने आपसी बंटवारा करके सीओ भी दिए तो सीओ के नामांतरण के लिए प्रक्रिया होता है। वो नामांतरण प्रक्रिया हम 3 महीना से दिए हुए हैं, वो 3 महीना से सीओ काट के नहीं दे रहा है। अगर वो काट के नहीं देगा तो हम भूअर्जन के पेपर हम कैसे देंगे। सीओ कहता है कि हम अभी पैसे नहीं देंगे, पेमेंट करो, पैसा दो। हम गरीब आदमी 1.5 लाख के जमीने जा रहा है और मांगता है कि 3 लाख जब दो हमको, तो हम कहाँ से देंगे। आपको ये काम कराने में 3 लाख रुपए लगता है? लगता नहीं है, मांग रहा है कि हमको पेमेंट देना है, कि SDM के देना है, DM के देना है, मुख्यमंत्री को देना है, कि पेमेंट नीचे से ऊपर तक ले जाना है। अगर कौन देवे 1.5 लाख रुपए मांग रहा है CEO। अगर सुनिए, हम मीडिया के माध्यम से कहते हैं नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार गच ले कि हमें भी पेमेंट नहीं देता है, CEO कहता है जो मुख्यमंत्री तक ले पेमेंट जाता है। अगर हम ऐसा 20,000 लिए ना, तो 20,000 में कम से कम 6,000 रुपया मुख्यमंत्री आवास तक ले पहुंचेगा। हजार से SDM जाएगा, DM जाएगा, DM के पास मुख्यमंत्री जाएगा, उसके बाद ही कोई के पेमेंट मिलेगा। मांगता है अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं ना, उनको जाके कहिए कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं गया तो बताइए हमको, कि टोटल गलती जाते हैं। हाँ, देखिए ये जो है इन लोगों का घर टूटने वाला है, और ये बिहार के सबसे लंबा एलिवेटेड पुल बनने जा रहा है। नीतीश कुमार की सारी गलती है बिहार, नहीं ठीक है विकास, पूरा जमीन ले लीजिए, जमीन से हमें मतलब नहीं है, रोड बनेगा, देश का विकास होगा, विकास कीजिए, रोड लीजिए, लेकिन जो उचित मुआवजा हमारे जमीन का मकान का है उस सिस्टम से दिवाइए। लेकिन हैजा कहा है कि फलना के 3 लाख मिल रहा है ना, तो बोलो के CEO कर्मचारी BDO SDM DM क्या कहेगा कि हम पैसा ऐसे नहीं ले रहे हैं, घूस मुख्यमंत्री आवास तक ले भेजना है। जब मुख्यमंत्री जाएंगे विदेश तो खर्चा कहाँ से आएगा, जब चुनाव लड़ना है तो 5,000 करोड़ कहाँ से हम चुनाव में खर्चा करेंगे, बताइए मुख्यमंत्री जी। ये कहाँ का न्याय है कि CEO से पैसा लेके आप अपना आयस कर रहे हैं, हमें घर तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पर रहेंगे, लेकिन आप बताइए कि न्याय कहाँ का है, घर तोड़ दीजिए, पेमेंट मत दीजिए। अरे मर्द देश के जैसे भी इनका घर तोड़ने के लिए आया हुआ है ना, तो स्टेट हाईवे बनवाइए, कोई एक स्टेट हाईवे बनाया, स्टेट हाईवे एक बनाया, जब बंगाल के जो समुंदर है वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जोड़ता तो बिहार में कंपनी के बौछार होता, यहाँ न रॉ मटेरियल आता है न कुछ आता है, बनाता है जनता को, हम बता रहे हैं ना, तो ना जब देश के विकास करना है तो सीधा बनाए स्टेट हाईवे, सारा स्टेट से जोड़ देगा तो कंपनी आएगा भाई जो भारत में। एक चीज़ आज सुन लीजिए, जो जमीन हमारे 14 लाख है, एक मिनट, जो हमारा जमीन 14 लाख अभी रोड के किनारे लगा है, यही 2012 में बीटा पटना बक्सर 4 लाइन हुआ था, वो वाला जमीन को पेमेंट मिला 22,65,000, चूंकि वो बाधार का जमीन था, हमारा खुद 3 कट्ठा गया है, उसको मिला हमें 22,65,000। यही मेन रोड के जमीन कहते रहे कैसे 14 लाख है, कहे दे रहे हैं कहाँ के नियम है कि रोड के किनारे 14 लाख है, बाधार दे रहे हैं 22,65,000। ये सीधे सौ के एक बात, हमर बल है, हमर ताकत है, हम फरिया लेंगे, उनके पास सत्ता है, ये ले लाते हैं भाई, जो जनता को रौंद के चला जाना, यही उनका उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है, विकास ही कर रहे हैं, विकास के नाम पर जनता को मारा जा रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। यही बीटा थाना के CEO प्रभारी SDM टोटल कहता है ना कि माल हमको दीजिएगा तो हम मुख्यमंत्री तक ले पहुँचाएंगे, कैसे कि हम लोगों को देना पड़ता है चंदा, ऐसे ना बोले, इसका प्रूफ दिखाएंगे तब ना लोग मानेगा। देखिए सुनिए, ऑफिस में जाइएगा ना तो एगो अगर साहब है ना, वो 73 को चमचा रहता है, चमचमा का साहेब थोड़ी पैसा लेता है, ओका भी चाहिए साहेब ही, ओका 50 गो चमचा है, कहेगा कि लाओ 30,000 में फलना काम करा देबू, साहेब डायरेक्ट पैसा थोड़ी लेता है, कोई अगर कह दे कि साहेब डायरेक्ट हाथ में पैसा लेता है, कोई साहेब हाथ में पैसा नहीं लेता है, एक साहेब है ना 15 गो चमचा है। देखिए इधर भी जो है ये इनका भी एक घर टूटने वाला है, ये भी अपना जो है दरवाजा निकाल रहे हैं, और ये आज सूचना मिला है कि आपका घर टूटेगा, वो हमारे नहीं है, वो दूसरा आदमी का है। अच्छा दूसरा है, चलिए बाकी आप लोग बताइएगा, हाँ क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अरे जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, जबरदस्ती बोल रहा है कि एकदम सरकारी जमीन है हम लोग के पास, पीछे है
हम लोग का पास पेपर है, डीएम का रिसीविंग है, पैसा नहीं मिला है। नहीं पैसा भी नहीं मिला है, नहीं मिला। दूसरा चीज ये अभी क्लियर नहीं किया है कि हम अतिक्रमण तुर रहे हैं कि अधिग्रहण तुर रहे हैं। अतिक्रमण अधिग्रहण में अंतर होता है। अतिक्रमण हो गया कि हम सरकारी जमीन धरे हुए हैं, हम लोग का रहती जमीन है उसमें भी तुर रहे हैं। नहीं क्लियर नहीं किया है नापी में भी कि हमारा अतिक्रमण करना है, अधिग्रहण करना है। इसके लिए एसडीएम के पास नोटिस किया गया कि हमारा नापी पुनः करवाया जाए। सीओ के पास दो गो नोटिस किया गया कि हमारा नापी पुनः करवाया जाए। इसके लिए अभी सीओ भी नहीं तैयार हुआ, ना एसडीएम तैयार हुआ अभी तक ले। उसको हम नोटिस रखे हुआ है, पूरा रिसीवी रखे हुए हैं। बताइए बाकी आप लोग, बुलाया जाए। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार है, आप लोग से यही विनती है कि आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि इन लोगों को जो है अभी जो है अभी जो है पैसा भी नहीं मिला है और घर तोड़ा जा रहा है। जमीन का पेपर भी हम टोटल दे रहे हैं। हाँ देखिए दोनों तीनों हमारा अभी नोटिस है। हाई देखिए जमीन के बंटवारा के लिए हम नामांतरण के लिए दिए हैं सीओ के। हाई देख लीजिए सर, हाई 1292 है 2023 के है। देखिए पेपर नामांतरण करके अभी ले सीओ नहीं दिया, तो हम भूअर्जन पदाधिकारी डीएम ऑफिस हम पेमेंट किस मुफ से लेने चाहेंगे। तीन महीना से सीओ के देवल है, सीओ के टेबल से गया कर्मचारी के अभी हो बैठा हुआ है। ऑनलाइन देख लीजिए 1292 का है, केस नंबर है, केस नंबर 1292 है, याचिका नंबर 72281 है, जाके देख लीजिए। से आप सभी को घर तुरा जा रहा है पेमेंट के किसी का एकदम यहाँ पेमेंट कीजिए तुरिए नहीं हुआ जब हम लोग को कोई जा रहा है, पेमेंट तो नहीं हो रहा है। एक मिनट आइए, इधर आइए, बारी 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 से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। बड़ी चीज है कि हम लोग को मकान का जमीन का एक मिनट मकान का जमीन का मकान जमीन का नहीं नहीं गलत मत कीजिए। देखिए फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम चल जाएंगे। देखिए आप जो देखिए ये लोग जो है भड़क गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए पब्लिक मूवमेंट क्या, हम लोग को मकान का घर का नोटिस आया हुआ है, रहती है 23,75,000 मिलना है। हम लोग सरकार के काम में बाधा नहीं बन रहा है, लेकिन हमको जो उचित मुआवजा जो सरकार दे रही है तो वो तो पेमेंट देना चाहिए। बिना पेमेंट के ही हम लोग का मकान तोड़ रही है, तो हम लोग तो बेघर कहाँ जाएंगे, तो इसलिए तो रोड पर दबा कैसे हूँ तो हम लोग का समस्या का समाधान। बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पुल बनने जा रहा है, जो एलिवेटेड पुल दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा तक बनेगी, उसके लिए जो आसपास के जितने भी घर मकान जमीन आ रहा है उसको जो है कंपनी जो ली है वो तोड़ने का काम कर रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है जो भी बिहटा में घर मकान आ रहे हैं उस एलिवेटेड पुल बनाने के लिए रास्ते में उसको जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है घर को। लेकिन इन लोगों का कहना ये है, परिवार वालों का कहना है, ये सभी परिवार को ये कहना है जिनके घर टूट रहा है उनको ये कहना है कि हमारा घर तोड़िए लेकिन उचित मुआवजा दीजिए। बिना मुआवजा दिए हुए ही हमारे घर को तोड़ रहे हैं, इसीलिए जो है अब देखिए ये लोग यहाँ पर आ गए। और बाकी बताइए कि इस तरीके से जो है देखिए सभी लोग जो हैं यहाँ पर सड़क पर आ गए हैं, ये सभी लोग का घर जो है टूट रहा है। उधर भी देखिए अपने अपने घर को जो है लोग तोड़ रहे हैं ताकि जो है इधर एलिवेटेड गुजरे तो उनका घर का जो अभी का सरकार मकान है। कौन आपका मकान है? ये मकान मेरा है, तोड़ रहे हैं। अच्छा पर भी लोग कह रहे हैं कि राहत नहीं देंगे, तोड़ने के लिए भी राहत नहीं देंगे, सामान निकालने के लिए भी राहत नहीं दे रहे हैं। पहले बताया गया था कि आपको घर तोड़ा जाएगा, बताया है तो सबके बताया, मगर कुछ है पैसा मिलेगा तो कहाँ मिला है हम लोग का पैसा सर। ये आपका अपना जमीन में है घर? हाँ ये सब रहती है जमीन में बना हुआ है, चाट था तो ये चाट था, अब भगा के ले किया कर कि वहाँ ले अथी हो जा रहा है। ठीक है ये तो रोड का विकास होगा, लेकिन तो आप जमीन हम लोग दे रहे हैं सर, तुर खुशी से तुरवा रहे हैं, मगर पैसा मिलना चाहिए ना। पैसा मिलने तो सरकार के आदमी है, हम लोग भी तो सरकार के आदमी है, अब सरकार के तो सब चीज है। यानी कि आपको पैसा नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला है, कोई के मिलवे नहीं किया, नहीं मिला है। जो जो सरकारी जमीन है वो भी नहीं मिला है। अच्छा, क्या बोल रहे रायती का? रायती का भी कुछ नहीं आया है। टूरने से पहले नोटिस आया होगा ना? बहुत पहले आया था।
अच्छा। बहुत पहले आया था कम से कम। तो आप लोग 9 महीना अभी मजिस्ट्रेट साहब से हम बात किए हैं, वो बोले कि ये लोग अपना कागज जो है ऑफिस में जमा करेंगे तभी तो मुआवजा मिलेगा। अभी तो अभी लोग ऑफिस में गया जमा करने थे सबका, देखे ना आपने क्या क्या बोला लोग कि वहाँ ऑफिस में जाने पे उसके पास भेजता है तो उसके पास पैसा मांगता है, उसके पास ये करता है। तो संविधान होना चाहिए ना, कोई भी अफसर का एक जिम्मा सरकार का जमीन है तो कुछ राहत चाहिए ना पब्लिक के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी लोग जो है सड़क पर उतर गए हैं और इस तरीके जो है अब सड़क जाम कर रहे हैं। बाकी जो है लगातार मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से जो है बिहार के सबसे लंबा एलिवेटेड पुल बन रहा है, जिसको लेकर जो है ये इधर मकान सब लोग का तोड़ा जा रहा है। और इधर देखिए ये अपने हाथ में कागज, खेत आपका जमीन का ही कागज है। हाँ हाँ, जमीन का ही कागज। ये लेकर आप मजिस्ट्रेट साहब को दिखाने जा रहे हैं। हाँ, सही बात। मुआवजा मिला? कहाँ मिला, मुआवजा मिल जाता तो फिर हम लोग देने के लिए तैयार ही है। मुआवजा मिल जाता तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। ये पैसा नहीं मिलेगा हम लोग होने नहीं देंगे काम, एकदम नहीं होने देंगे। सारा कागज एकदम पूरा, कहाँ कहाँ हम लोग गए आपको पता है, देखिए पूरा जिला अधिकारी तक पहुंचे हुए हैं। आपका अपना रहती जमीन है? हाँ, रहती जमीन है। अच्छा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं? हाँ, चार को प्लॉट है, 94, 95, 96, 97, 98। और फिर भी तोड़ा जा रहा है? फिर भी तोड़ा जा रहा है। टूट गया कि तोड़ा जा रहा है? तोड़ा हम लोग तो खुद से अभी कर लिया, लेकिन अभी लोग आ रहा है तो भाई अभी पूरा रूप से अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन पैसा तो मिलना चाहिए। बने मुआवजा काम नहीं होगा। चलिए ठीक है, और भी लोगों को दिखाते हैं। देखिए इधर भी ये तोड़ा जा रहा है, बाकी यही है देखिए सब लोग जो है अभी। हाँ, नोटिस आया है, सब लोग का नोटिस आती है। बिना पैसे के हम लोग बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये बताइए। हम लोग सरकार के काम में बाधा नहीं है, जितना हम लोग को जा रहा है ठीक है, देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको उचित मुआवजा मिले और सरकार अपना जितना जा रहा है ले ले, हमको पैसा दे दिया, हम अपना घर दुरुस्त कर ले, मकान दुरुस्त कर, इसीलिए ना आदमी है। सर, मेरा आपका मेरा घर देख लीजिए सर, वो घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है सर, बस ये है, बच्चे हैं मेरा सर। आप चलिए सर देख लीजिए, वो पोल है ना सर, वहीं पर है सर। मतलब वही घर आपका है? सिर्फ घर का, सिर्फ वही मेरे पास पूंजी है सर। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपका जो जमीन है, आपका जो घर है, जैसे कि आप ही बता रहे थे मुझे कि आगे आइए कि आप बता रहे थे कि आपका जो घर है, आपका जमीन जो है वो गर्मजरुआ है। नहीं सर, गर्मजरुआ नहीं, मालिक गर्मजरुआ है। मालिक गर्मजरुआ? जी जी सर जी। कागज होगा? हाँ जी जी। कागज दिखाए हैं वहाँ ऑफिस में? ऑफिस में हम लोग भूअर्जन में सभी जगह से थक गए हैं सर। हाँ। कोई नहीं सुनने वाला, यही बोलता है कि इसको नहीं मिलेगा, ये सरकारी है। हाँ। सरकारी है तो सर, रजिस्ट्री है मेरे पास, 1995 का रजिस्ट्री है सर। तो ठीक है, हम मेरा कहना है कि गवर्नमेंट के नज़र में ये अवैध ज़मीन है। हाँ। तो कम से कम मेरा जो लागत है सर, लागत है मेरा, गलती यही है सर, जो हम जो चीज़ का जानकारी नहीं था, पिताजी मेरे लिए थे सर। हाँ। उस समय कोर्ट में रजिस्ट्री हुआ है। हाँ, कोर्ट में रजिस्ट्री हुआ? कोर्ट में रजिस्ट्री हुआ है सर। अच्छा, अच्छा। यही मेरा मकान है सर। ये आपका घर हुआ? बस यही घर है सर, और ये मेरा पूरा मकान जा रहा है सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है सर। क्या करते हैं आप? हम सर एक छोटा कंपनी में सर ऑफिस असिस्टेंट का जॉब करते हैं। हाँ। 10 से 12 हजार रुपया हमको सैलरी मिल। टूटा जा रहा है ये पूरा घर मेरा, टूटा जा रहा है पूरा घर, टूट रहा है पूरा घर मेरा, टूट रहा है सर, और इसके सिवा मेरे पास कोई चीज नहीं है सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे। देखिए ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये मेरी पत्नी है। हाँ। और ये यही मेरा घर है सर, आइए सर। ये समझ, देखा आपका घर मैं देख लिया हूँ, बस यही मेरा घर है और इसके सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। हम कहाँ जाएंगे सर, बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे सर?